वो गलती नहीं होनी चाहिए जो इतने दिनों से हो रही है। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं करने वाली हूँ तीसरी बार मेकअप ब्रशेस पर वीडियो। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने दो बार उसे शूट किया, लेकिन वो फाइल जो है आधी उसमें से फाइल लूज हो गई, कहाँ चली गई आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ गई वो। आज मैं सिर्फ फेस ब्रशेस के बारे में बताऊंगी, आई शेडो ब्रशेस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मैंने दोनों पे वीडियो बनाई थी गाइज, मैंने फेस ब्रश पे भी बनाई, मैंने आई शेडो पे, फाइल चली गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ। कल मेरे पापा ने मुझे एक मोटिवेशनल कोट बोल दिया कि जो एडिसन था जिसने बल्ब बनाया था, उसने जो है इतनी बार ट्राई किया बल्ब के लिए और तुम एक वीडियो नहीं बना सकते तीसरी बार। मैंने कहा अब वो एडिसन था, मैं अर्चना हूं। तो इसलिए हम आज बात करेंगे उन सभी मेकअप ब्रशेस की जो मुझे बहुत पसंद है, क्यों पसंद है, उनमें से कौन से हैं मस्ट हैव, कौन से ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज है, कौन से ऐसे हैं जिससे सिर्फ एक ही काम होता है, और किस तरह से उन्हें यूज करना है। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी। एक ही मेकअप ब्रश को 36 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो, अगर आपके अंदर वो ट्रिक्स टिप्स आपके पास हैं तो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज में अच्छे हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आगे मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे अर्चना मैंने तो ये ब्रश ले लिया लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ इससे। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, कई बार शुरू में आप थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाओगे कि क्या यार नहीं हो रहा मुझसे, और शुरू में ही सारे ब्रशेस मत ले लेना, इसमें से जो मस्ट हैव है मैं बताऊंगी। दूसरा, क्वालिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो मैं रैंडम प्रोडक्ट्स आप लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकती जो लास्ट ही ना करें। ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, 2-3-4 साल हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, इनमें से एक या दो हैं जिनको मैंने न्यूली लॉन्च थे तो उन्हीं को 6-8 महीने होंगे, उसके अलावा सारे बहुत पुराने हैं। तो बहुत विश्वास करती हूँ इन मेकअप प्रोडक्ट्स पे मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेकअप प्रोडक्ट्स जब धोते हैं तो धूप में सुखाने रख देना, सर्दियों में अंदर मत रखना, वरना उसकी जो लकड़ी है इस डंडे पे तीड़ पड़ जाता है, फिर मत बोलना आप मुझे, ठीक है। सबसे पहला है फाउंडेशन ब्रश, क्योंकि प्राइमर नॉर्मली लोग हाथ से ही लगा लेते हैं, और इनफैक्ट आप अपना पूरा मेकअप हाथ से कर सकते हो, आपको मेकअप ब्रशेस की जरूरत नहीं है, बट आप में टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्योंकि मैं तो टैलेंटलेस हूं क्योंकि मेरे अंदर तो टैलेंट है नहीं, मुझे तो मेकअप ब्रशेस चाहिए, तो मैं सबसे पहले जो है फाउंडेशन लगाऊंगी। स्किन को प्रेप पहले कर दिया था, एक पंप ले रही हूँ फाउंडेशन का, एक पंप भी नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहला फाउंडेशन ब्रश बता रही हूँ जो मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, सबसे ज्यादा वो है मेबलिन का, ये मेबलिन न्यूयॉर्क का ब्रश है, ये 500 रुपए का आता है, मेबलिन पे ऑफ मिल जाता है तो ये सस्ता भी मिल जाएगा इजिली। पैक और प्रो आर्ट के ब्रशेस पे उतनी जल्दी ऑफर्स नहीं दिखते, तो जैसे ही दिखते हैं जाके वो ब्रश ले लो जो आप किसी भी यूट्यूबर के रिकमेंडेशन पे लेना चाह रहे थे। ये एक फाउंडेशन ब्रश है जिसको मैं स्टिक हाइलाइटर के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, क्रीम और स्टिक हाइलाइटर के लिए। उसके अलावा कभी कभी क्रीम ब्लश भी मैं इससे लगा लेती हूँ। अगेन, ये प्राइमरली एक फाउंडेशन ब्रश है, प्राथमिक तौर पर इसको जो है फाउंडेशन के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे दूसरी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि देर आर रूल्स बट देर आर नो रूल्स। तो इसमें क्या करना होता है, इसकी टेक्निक थोड़ी सी स्लो लगती है मुझे। जैसे आपने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया और अब आप ऐसे से देख रहे हो, आप मैं ये लंबे वाले ड्रैग नहीं कर रही हूँ, लंबे वाले स्ट्रोक्स नहीं ले रही हूँ, छोटे वाले लेने हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास काफी टाइम है तैयार होने के लिए, तो वो आराम आराम से ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। अब आप देखोगे इसके जो बाल हैं, जो ब्रिसल्स हैं, वो कितने टाइट हैं। आप आराम से इसमें अपना हाथ नहीं फिरा सकते, थोड़ा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा तब जाके इसके बाल थोड़े हिलते हैं। तो ये उतना ज्यादा फ्लफी ब्रश नहीं है, ठीक है। फ्लफी ब्रश कैसा होता है, ऐसा कि देख रहे हो आप, मैं आराम से कर पा रही हूं, मुझे बिल्कुल कोई प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा, इसमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये स्टिफ, काफी ज्यादा स्टिफ ब्रश है, इसीलिए इसमें धीरे धीरे बिल्ड करना है आपको प्रोडक्ट को। अगर आप एक साथ ही बहुत ज्यादा लगा दोगे तो एक ही जगह आपका फाउंडेशन चिपक जाएगा और फिर आप ऐसे से खींचने पर मजबूर हो जाओगे। धीरे धीरे बिल्ड करना है, और ये मूवमेंट जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, इस मूवमेंट के साथ ब्लेंडेबिलिटी जो है आपकी, और जो ब्लेंड करने के बाद रिजल्ट है, वो काफी स्मूथ और अच्छा मिलेगा। इसके ब्रिसल्स बड़े सॉफ्ट हैं, अफोर्डेबल है, ब्लेंड अच्छे से करता है, और फाउंडेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन सीरम फाउंडेशंस के लिए अच्छा नहीं है। जैसे लैक्मे एब्सोल्यूट का एक सीरम फाउंडेशन है और मेरे ख्याल से शुगर का भी है,
लेकिन आप अगर इस तरह के थिक फाउंडेशन, जैसे आपने देखा कलर बार का फाउंडेशन रनी नहीं है, तैरता नहीं है हाथ पे, ठीक है, क्रीम फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन, इवन कुछ लिक्विड फाउंडेशन भी इस ब्रश के साथ लगा सकते हो। लिक्विड फाउंडेशन में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेस्ट है कम प्रोडक्ट से शुरू करो और धीरे धीरे बिल्ड करो। वो मैं आपको टिप्स सभी प्रोडक्ट्स और सभी मेकअप ब्रशेस के साथ कहूंगी करने को, क्योंकि उससे आपका जो मेकअप का रिजल्ट है वो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा फाउंडेशन ब्रश है जो मैं किसी भी बिगिनर को जो है रेकमेंड कर सकती हूँ, और ये अच्छा ब्रश है, इसमें क्वालिटी है और अच्छा खासा चल रहा है। ये मेरे ख्याल से एक साल हो गया, मैंने लास्ट ईयर इसको रिव्यू किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर। जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उनको पता होगा। तो बहुत ही कमाल का है, अफोर्डेबल है, काम देता है आपको, एटलीस्ट आपको रिजल्ट से मतलब है, वो देता है। इससे आप स्टिक हाइलाइटर, स्टिक कॉन्ट्योर, जो क्रीम स्टिक कॉन्ट्योर होता है उसको भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी यहाँ की स्किन बहुत ड्राई है तो स्टिक आपका जो कॉन्ट्योर है उसको ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं बोलूंगी बहुत सॉफ्ट सर्कुलर, छोटे सर्कुलर मोशंस और बहुत प्यार से ऐसे ऐसे ब्लेंड करना तो हो जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। हाइलाइटर भी मैं क्रीम वाला हाइलाइटर इससे लगाती हूँ और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। डिपेंड करता है आपने नीचे कौन सा प्रोडक्ट लगाया, और मूवमेंट आप बहुत जोर जोर से अगर खींचोगे तो नीचे का प्रोडक्ट जो है फिसल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम आराम से ये वाला जो मूवमेंट मैंने आप लोगों को बताया था वो फॉलो करोगे, काम बन जाएगा। अगला जो ब्रश है वो भी एक फाउंडेशन ब्रश है, ये थोड़ा सा महंगा है, प्रो आर्ट का है। प्रो आर्ट के मेकअप ब्रशेस पे मैंने कभी नायका पे ऑफर नहीं देखा। अगर आपको प्रो आर्ट के ब्रशेस पे ऑफर चाहिए तो मिंत्रा पे मिलेगा, और जबोंग पे, अगर अभी भी जबोंग पे शॉपिंग कर सकते हैं, आई थिंक मिंत्रा और जबोंग अब एक हो गया है आई गेस। तो ये है प्रो आर्ट का फाउंडेशन ब्रश। ओ माई गॉड, हे मेरी बॉय, हे मेरे भगवान, इतना शानदार ब्रश है ना ये। और गाइज इसकी क्वालिटी देख लो यार, अभी तक ये टस से मस नहीं हुआ, एक ब्रिसल इसका झड़ा नहीं। हालांकि किसी भी मेकअप ब्रश का एक दो बाल झड़ना एक डेढ़ साल बाद कॉमन है, मतलब जब हम लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो मेकअप ब्रश इसके बाल नहीं झड़ेंगे यार, किसी बात कर रहे हो, और जबकि हम तो ह्यूमन है, हमने ब्रश बनाया है, ठीक है। तो ये है प्रो आर्ट का AK-41। ये ब्रश इतना तगड़ा है कि मुझे AK-47 बोलने का मन कर रहा है, लेकिन ये है AK-41। आप देखेंगे इसमें एक ना एंगल है, जैसे पाइथागोरस की थ्योरम में नहीं होता था एक एंगल जा रहा होता था, लेकिन वो तो अलग होता था। ये जैसे बोलते हैं ना 60 डिग्री वाला एंगल, वैसा टाइप का थोड़ा सा जा रहा है, और काफी ज्यादा बढ़िया ब्रश है क्योंकि इसमें ना एक सॉफ्टनेस भी है, तो आप इससे फाउंडेशन जो है ब्लेंड कर सकते हो। अब जो मैंने मेबलिन का ब्रश बताया था उसकी तुलना में जो ये प्रो आर्ट का ब्रश है ये ज्यादा फंक्शनल है, क्योंकि ये हल्का सा टाइम जो है ज्यादा लेता है, ये हल्का सा टाइम कम लेता है, क्योंकि ज्यादा फंक्शनल है, ये जल्दी ब्लेंड करता है और बहुत सॉफ्ट है मेबलिन वाले ब्रश की तुलना में, लेकिन उससे महंगा भी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप जल्दी ब्लेंड कर सकते हो अपना फाउंडेशन इस वाले फाउंडेशन ब्रश के साथ, बहुत आराम से। आप इससे कंसीलर नहीं कर सकते, आप इससे ब्लश कर सकते हो, स्टिक वाला ब्लश या कोई भी क्रीमी ब्लश, अगर आप समझ जाओ टेक्निक को और अपने फेस की शेप को। लेकिन बिगिनर्स मुझे लगता है शुरू में नहीं कर पाएंगे। आप इससे कॉन्ट्योर भी कर सकते हो, क्रीम कॉन्ट्योर बड़ी आसानी से, कभी कभी पाउडर कॉन्ट्योर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन हाइलाइटर भी कर सकते हो, क्रीम हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर इससे नहीं कर पाओगे, थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूं, थोड़ा सा, और मैं इसको वार्म अप कर देती हूँ। मैंने इस ब्रश पे ले लिया, ब्रश पे ले लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें भी मैं छोटे ही स्ट्रोक्स लगा रही हूं जैसे मेबलिन वाले में लगा रही थी, लेकिन क्योंकि ये मेबलिन वाले से ज्यादा फ्लफी है, उसकी तुलना में ये ज्यादा फुलफुलासा है। फ्लफी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, फ्लफी बोल लो अभी, ठीक है, फ्लफी है उसकी तुलना में ज्यादा, ठीक है। इसके जो बाल हैं वो ज्यादा डेंसली पैक्ड नहीं है, बहुत टाइट तरीके से बांधे नहीं गए हैं, इसीलिए इसमें ब्लेंड करना बहुत जल्दी हो जाता है। इसका जो प्रोसेस है बड़ा ही ज्यादा जल्दी वाला है, फास्ट है। तो अगर आपको ऐसा ब्रश चाहिए जो जल्दी ब्लेंड करे, इसमें भी देखिए मैं लंबे स्ट्रोक्स नहीं ले रही हूं, लेकिन उसकी तुलना में ऐसे ये ऐसे नहीं कर रही हूं, लेकिन उसकी तुलना में थोड़े लंबे ले सकते हो आप, इसमें वो फ्रीडम आपको मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रश है अगर आप लिक्विड फाउंडेशंस, क्रीम फाउंडेशंस,
स्टिक फाउंडेशंस यूज कर रहे हो और इवन पाउडर फाउंडेशंस, लेकिन इसके साथ भी आप सीरम फाउंडेशंस जो लैक्मे और शुगर के मैंने बताए थे वो ब्लेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लाइन जैसी दिखा देते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रश के बालों की एक लाइन जो है आपकी स्किन में घूम रही है, तो वो अगर आपको नहीं पसंद तो इसलिए आप इसको जो है सीरम फाउंडेशंस के साथ यूज मत करना। अदरवाइज ये बड़ा ही बेहतरीन फाउंडेशन ब्रश है, बहुत साल चलेगा, इसकी क्वालिटी है और मैं इसको इतने टाइम से यूज कर रही हूँ, आप देख लो नया लग रहा है मुझे, लिटरली ऐसा लग रहा है नया अभी लेके आई हूँ। ये है पैक का 265 और जितना बड़ा इसका मुंह है उसके मुकाबले मेरा आलस कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका फाउंडेशन ब्लेंड कर देगा। इसके साथ आप घूमो, ठीक है, क्योंकि बाहर घूमना तो अलाउड नहीं है आजकल, तो इस ब्रश के साथ आप कितना भी आराम से और लंबे स्ट्रोक्स ले सकते हो अपने चेहरे पर और कोई आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीकीनेस नहीं दिखेगी अनलेस आप एक सीरम फाउंडेशन यूज करो। इसके साथ आप किसी भी तरह का फाउंडेशन यूज कर सकते हो, बस सीरम फाउंडेशन यूज मत करना, पाउडर, लिक्विड, क्रीम, स्टिक फाउंडेशन, किसी भी तरह का, ठीक है। और मैं आप लोगों को इससे ब्लेंड करके भी दिखा देती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी कम क्वांटिटी ले रही हूँ आज फाउंडेशन की, क्योंकि मुझे अलग अलग ब्रशेस आप लोगों को दिखाने हैं यूज करके। तो बेस्ट मैं कहूंगी कि पहले अपने चेहरे का जो सेंटर है, आपके चेहरे का सेंटर ये होता है, हमेशा फाउंडेशन यहां से लगाना शुरू करना चाहिए, सीधा यहां मत पहुंच जाना क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इधर फाउंडेशन लगाना है हम लोगों को, ठीक है, सबसे पहले इधर लगाना है और देखो आपको फिर जो इधर जाना है, क्योंकि सीधा आप यहां पर चले गए अपने माथे पर तो वहां सारा फाउंडेशन लग जाएगा और वहां ब्लेंड करने में आपको किसी भी ब्रश से दिक्कत आएगी। फाउंडेशन लगाना हमेशा सेंटर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस ब्रश से कितनी आराम से मैं पूरे चेहरे के नजदीक जा रही हूँ, पूरे चेहरे पर इसको कितने लंबे लंबे जो है मैं ब्रश स्ट्रोक्स ले रही हूँ, कोई ब्रश के बालों की लाइन नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि वो फ्रीडम आपको इसमें मिलती है। तो जल्दी मेकअप जो रूटीन है आपका अगर वो चाहिए वो इससे हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा स्ट्रीकीनेस भी नहीं देगा आपको, अगर हल्की थोड़ी बहुत देता भी है तो वो आप आराम से ठीक कर सकते हो। इससे मैं अपना फाउंडेशन कर सकती हूँ, ब्रॉन्जर के लिए ये बहुत बढ़िया ब्रश है, ब्रॉन्जर के लिए ये प्राइमरीली प्राथमिक तौर पे ये भी एक फाउंडेशन ब्रश है, लेकिन आप इससे ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हो, इससे आप ब्लश लगा सकते हो, कॉन्ट्योर नहीं कर सकते, बहुत डिटेल कॉन्ट्योर नहीं कर सकते, जो तीखा कॉन्ट्योर होता है वो नहीं कर सकते, लेकिन ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, ठीक है। हाइलाइटर नहीं लगा सकते इससे आप, ठीक है, अगेन डिपेंड करता है आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन प्राइमरीली जो इसकी शेप है वो आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देगी कि आप इसको हाइलाइटर की तरह यूज कर पाओ। कॉम्पैक्ट पाउडर आप इससे लगा सकते हो। कवरेज की बात कर लेते हैं, हालांकि कवरेज डिपेंड करती है फाउंडेशन पे, अगर आपका फाउंडेशन शीयर कवरेज है तो ब्रश उसे फुल कवरेज नहीं बना सकता, फिर भी स्पंज की तुलना में ब्रशेस कम प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे ज्यादा कवरेज आपको ये दोनों ब्रशेस देंगे, प्रो आर्ट और मेबेलिन वाले, उसके बाद जो मैंने आपको ये वाला ब्रश बताया था पैक का वो। और अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जा रही हूँ, वो भी एक फाउंडेशन ब्रश है, और गाइस ये मेरा पहला आई गेस फाउंडेशन ब्रश था जिससे मैं इतनी खुश हो गई थी कि वाह यार क्या ब्रश लिया है मैंने। ये है पैक का 306 और ये स्टिपलिंग ब्रश है, देखिए इसमें भी काफी आपको आजादी मिलेगी। ये आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल मत करना, अगर आपको मीडियम टू बिल्डेबल काइंड ऑफ कवरेज पसंद है किसी भी मीडियम कवरेज फाउंडेशन से तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है प्रोडक्ट को पूरे चेहरे पर, मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ, आज इतना फाउंडेशन लगा दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देखिए इसमें ना आपको पूरी आजादी है, देखिए आप पूरा घूम सकते हैं अपने चेहरे में ये प्रोडक्ट लगा के, और जितना भी बचा हुआ है वो भी ले लेती हूँ। बहुत शानदार है, अगर आपको नेचुरल कवरेज पसंद है ना, मीडियम कवरेज फाउंडेशन आपके पास कोई भी है और आपको नेचुरल कवरेज चाहिए, आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए, ये बहुत कमाल का ब्रश बनाया है पैक ने और बहुत काम की चीज है ये। इससे भी आप अलग अलग तरह के फाउंडेशन लगा सकते हैं, लिक्विड, क्रीमी, स्टिक, पाउडर फाउंडेशन भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है,
सीरम फाउंडेशन भी लगा सकते हो, लेकिन हल्का सा आपको स्ट्रीकीनेस दिखेगी इससे, तो मैं कहूंगी कि इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा डिटेल में जाके काम करना पड़ेगा, बट बाकी फाउंडेशन के साथ ये बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देगा। अगर आपने इसके साथ बहुत ज्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन यूज किया तो थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आप इससे पाउडर कर सकते हैं अपने पूरे फेस को बहुत अच्छे से, लेकिन पाउडर बहुत माइल्ड होना चाहिए, जैसे कि शुगर का ये वाला पाउडर, जो येलो बनाना पाउडर है इनका, ये वाला ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप वेट एंड वाइल्ड का जो डुओ आता है जिसमें एक साइड येलो पाउडर एक साइड वो ब्राउन वाला पाउडर होता है, कैरमल टॉफी जो कहीं नहीं मिल रहा वो यूज कर सकते हैं। मेबलिन का लूज पाउडर जो है वो इसके साथ यूज नहीं कर सकते, बहुत ट्रिकी हो जाएगा और काफी उड़ेगा पाउडर, तो इसलिए लूज पाउडर इस ब्रश के साथ इस्तेमाल मत करना। लूज पाउडर आप इस तरह के ब्रशेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो जो थोड़े से स्टिफ है। आपको इंटरेस्ट है पाउडर ब्लशेस में तो आप इस ब्रश के साथ आसानी से लगा लोगे पाउडर ब्लश ऐसे करके। इनफैक्ट मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूँ। मैं ले रही हूँ मिलानी का लुमिनोसो ब्लश, और ये इसके लिए एक्सेस टैप कर दें, हमेशा साइन करें और देखें सेंटर कहाँ है। ये आपका पाउडर ब्लश हो गया, आप इससे पाउडर ब्लश बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्रीम ब्लश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, कई बार बहुत ट्रिकी हो जाता है वो, स्पेशली जो स्टिक वाले ब्लशेस आते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं इसके साथ। लिपस्टिक को ही अगर आप ब्लश की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इससे कॉन्ट्योर भी कर सकते हो, लेकिन बहुत तीखा कॉन्ट्योर मत करना, वो जो ब्रॉन्ट्योर जिसे मैं कहती हूँ कि कॉन्ट्योर प्लस ब्रॉन्जर वाला लुक है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। आप इसे हाइलाइटर भी लगा सकते हो, हाइलाइटर भी लगा सकते हो, लेकिन पाउडर हाइलाइटर लगाने में इजी हो जाएगा। पाउडर हाइलाइटर एक्चुअली आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। ये मैं पाउडर हाइलाइटर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड वाला, और ये एक साइड पे लेना है हमको, एक्सेस को टैप किया और जिस साइड पे लिया साइन करेंगे, ठीक है, ये लाइन आ गया। अब आप इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर सकते हो, मतलब एक्चुअली ये क्या है कि धीरे धीरे आप सीख जाते हो कि एक ही ब्रश को कैसे इस्तेमाल करना है। अब अगर आप हर चीज के लिए एक ब्रश लेते रहोगे तो हो गया आपका काम। ये डेफिनेटली मैं रेकमेंड कर सकती हूँ उन लोगों को जिनको एक ब्रश से काफी सारे काम निकलवाने, यूज कर सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि अगर आप एक मल्टीपर्पज ब्रश से बहुत सारे काम निकलवाना चाह रहे हो तो डिसाइड कर लो कि पहले क्या करना है। जैसे अगर आपको इससे कॉन्ट्योर भी करना है और ब्लश भी करना है और हाईलाइट भी करना है तो क्या करो, सबसे पहले ब्लश लगा दो, ठीक है, उसके बाद हाइलाइटर लगा दो, उसके बाद कॉन्ट्योर करो, ठीक है। कॉन्ट्योर के लिए ये वाला पैलेट, इसमें से मैं ये ले रही हूँ जो ब्राउन शेड है, और अब आप देखेंगे कि मैंने ब्लश लगा दिया, हाइलाइटर लगा दिया, लास्ट में कॉन्ट्योर कर रही हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको सबसे पहले वो ही स्टेप करना है जो आप हर यूट्यूब वीडियो में देखते हो। आपके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें से जो चीज आप नहीं करते वो मत करिए, जैसे कई लोग डेली बेसिस पे कंट्रोल नहीं करते तो आप मत करिए। आप इस ब्रश में से अगर दो काम करना चाहते हो तो दो ही करवा लो, अगर दस ही करवाना चाह रहे हो तो दस दिन करवा लोगे, ठीक है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने बाद में इसे कंट्रोल कर, बैक का ये 306 ब्रश काफी मल्टीपर्पज है, अफोर्डेबल है मेरे ओपिनियन में। अगर आपको कभी भी इस पे ऑफर दिखे या वैसे भी आप लेने में इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो इस ब्रश पे डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी जो है बहुत मन कर रहा है अलग से एक पाउडर ब्रश लेने का तो आप मेबलिन का ये वाला ले सकते हो, बहुत अच्छा पाउडर ब्रश है, बहुत काम का है और रिजल्ट देता है, अल्टीमेटली वही हमारे लिए मैटर करता है, राइट। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लफी हैं तो ये स्प्रेड आराम से करता है आपके पूरे चेहरे में। इससे आप चाहो तो ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हो, लेकिन पाउडर ब्रॉन्जिंग करना इससे और क्रीम कॉन्ट्योरिंग नहीं कर सकते, इससे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ब्लशेस मैंने ट्राई करे लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं रही, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो भाई मुझे टैग कर देना और अपना चैनल ओपन कर देना। ठीक है, इससे फेस सेट कर रही हूँ, मैं शुगर का पाउडर ले रही हूँ जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, और मैं अपना पूरा फेस इसी से सेट कर रही हूँ। ठीक है, अल्योर का ब्रश, और ये मेरे ख्याल से है प्राइमरीली
ब्लश के लिए, लेकिन इससे भी मैं अलग अलग तरह के काम कराती हूँ। तो मैं इसकी शेप देखेंगे आप, काफी एंगुलर है और ये सस्ता था, उतना महंगा नहीं था। इसका नंबर जो है 127 लक्स शियर चीक एल्योर ब्रश, ये इस तरीके का है। और इसके भी ब्रिसल्स काफी ज्यादा देखेंगे आप, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा फ्लफी है और एंगल है इस ब्रश में। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी शेप ऐसी है कि अगर आप बेक करते हो तो आंखों के नीचे का पाउडर हटा सकते हो, जो कि मैं नहीं करती बेक, कभी नहीं किया जिंदगी में। मैंने एक दो बार ट्राई किया और वो सिर्फ तभी काम आता है जब मैं कैमरा के लिए मेकअप कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत ऐसा लगता है आंखों के नीचे पाउडर बैठा हुआ है। तो इससे आप पूरे फेस को सेट कर सकते हो, ठीक है, आंखों के नीचे भी आप बेक जो है आपका वो रिमूव कर सकते हो, आप ब्लश बहुत इजीली कर सकते हो इससे। और मैंने ये देखा है कि ये स्टिक वाले ब्लशेस के साथ काम नहीं करता जो स्टिक फॉर्म में आते हैं, लेकिन कोई अगर मेरी क्रीमी लिपस्टिक है, जैसे मेरी लॉरियल वाली जो है रिच वाली, और जो मेरी नायका की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं, उनके साथ ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अदरवाइज ये बाकी जितनी भी स्टिक वाले मेरे ब्लश हैं, जो मेबलिन का है, लॉरियल का है, सेरी कॉस्मेटिक्स का है, उनमें ये काम नहीं करता। पता नहीं इसको कोई दिक्कत हो जाती है, नहीं करता, बट अदरवाइज ये ब्लश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्ट्यूरिंग के लिए आप इसको बहुत आराम से, क्योंकि इसमें एक एंगल है आप देख रहे होंगे, तो आप इसको आराम से बिठा सकते हो और ब्लेंड कर सकते हो। वो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप इसको मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो, इससे हाइलाइटिंग भी कर सकते हो। टेक्निक मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ब्लश लिया थोड़ा सा, आज मैं इतना ज्यादा ब्लश लगाने वाली हूँ ना, स्माइल किया और आप देखेंगे इधर से हल्का सा फेड हो गया है, क्योंकि मैंने अभी कॉम्पैक्ट पाउडर आपको लगा के दिखाया था। तो ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है गाइस, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कितना आराम से इसके ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये आराम से यहाँ बैठता है, आपके बैठता है, फिर आप यूं इसको ऐसे करते हैं, चलो भाई सैर पे चलो बाहर चलो, और आप बहुत प्यार से इसको ब्लेंड करेंगे और ये बाहर को शिफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से फेड होता है, बहुत ही इसको, ये देखिए इसका मूवमेंट ही इतना ज्यादा सॉफ्ट है, और ब्लर कर सकते हैं आप आराम से, अपने कलर को फेड आउट कर सकते हैं। फिर आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर पहले लगाएंगे क्योंकि हमें ब्रॉन्जर या कॉन्ट्यूर का कलर नहीं चाहिए। हाइलाइटर के लिए आपको क्या करना है कि ये जो एंगल का ये वाला हिस्सा है, यहां पर हमें रंग चाहिए, तो हम ऐसे डिप नहीं कर रहे हैं। ब्लश के लिए हमने ऐसे डिप किया था, हाइलाइटर के लिए हम ऐसे डिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिप किया और ये वाला हिस्सा जो है इस पे हम रंग लगा रहे हैं, तो खाली इस वाले हिस्से पे लगाया, ठीक है। अब एक्सेस को डैब कर दिया और जो भी हाइलाइटर वाला हिस्सा है उसको यहां लगाया, और कहीं ब्रश नहीं लगाना है, और ये हाइलाइटर लग गया आपका। वही ब्रॉन्जर लूंगी, मेबलिन वाला जो था हमारे पास, उसको लिया, ठीक है, और शीशा पकड़ लिया। अब देखिए फिर से हम एंगल पे आ गए, हमने एंगल पे ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का, कम प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेकर बिल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको फेड करने में। अगला जो ब्रश है वो है प्रो आर्ट से, ये है AF04। इसका भी जो काम है वो मैं कहूंगी प्राइमरली एक पाउडर ब्रश है, लेकिन इससे भी आप ब्रॉन्जिंग कर सकते हो आराम से, जैसे मैं अभी करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। पूरे फेस पे अगर आपको पाउडर लगाना है उसके लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आप इससे यहाँ पर कॉन्ट्यूरिंग कर सकते हैं। इसका क्रीम फॉर्मूलास से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक आप इसको सिर्फ पाउडर वाले फॉर्मूलास के साथ यूज करें। आप चाहें तो इससे आप पाउडर फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। सेम वही ब्रॉन्जर लेंगे, हमने सबसे कम इस वाली साइड लगाया, तो इस वाली साइड लगाएंगे, ठीक है। अगला जो ब्रश है वो काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि मेरा पसंदीदा ब्रश है, अगर हाइलाइटर मुझे लगाना है तो, ये है प्रो आर्ट का PF12। ये आप जो है फाउंडेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कंसीलर के लिए यूज नहीं कर सकते, आप कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए इसे यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो है
उतने ज्यादा बड़े नहीं है ना कि पूरे चेहरे को जल्दी से कवर करें, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बहुत अच्छा काम करेगा कॉम्पैक्ट पाउडर का, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तीसरा, आप इससे ब्लश कर सकते हो, ब्लश आप अगर लगाना पसंद करते हो, पाउडर ब्लशेस बहुत अच्छे से करेगा, क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं करेगा। आपको शार्प कॉन्ट्यूर पसंद है एकदम तीखा वाला, तो उससे आपको ये अच्छे से डिटेल में उस जगह पर जाकर आपका कॉन्ट्यूर ब्लेंड करने में हेल्प करेगा, उस चीज के लिए अच्छा है, हाइलाइटर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके तीन काम है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लश लगाती हूँ इससे ताकि आप लोगों को दिखे, थोड़ा सा डिटेल वाला ब्लश लगाता है ये बार, इससे स्टार्ट किया, आज मैं कितना ब्लश लगा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा भावनाओं में बह के आपने ज्यादा ब्लश लगा दिया, जो कि मैंने इतने सारे ब्रश से लगा दिया है, तो आप हल्का सा अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लें, हल्का सा, और इससे काफी ज्यादा टोन डाउन जाएगा। अब इसी से मैं आप लोगों को कॉन्ट्योर भी करके दिखाती हूँ। हाइलाइटर हम वही लेंगे, वेट एंड वाइल्ड वाला, एक्सेस को टैप किया, स्माइल किया, देखिए अभी लाइन है, आप इससे आराम से ब्लेंड भी कर सकते हैं। देखो ब्लेंड हो गया ना आराम से, थोड़ा सा और चाहो तो बिल्ड भी कर सकते हो इससे आराम से, और ब्लेंड भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें इसमें करनी बड़ी आसान है। तो अगेन ये प्रो आर्ट का है, PF 12, बड़ा मल्टीपर्पज टाइप का ब्रश है, तो अगेन बिगिनर्स को मैं रेकमेंड कर सकती हूँ। आते हैं कैसे ब्रश पे जिसके बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं निकाल सकते, वो है प्रो आर्ट का PF 09 फैन ब्रश। अब फैन ब्रशेस एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैन ब्रशेस से आप बहुत काम नहीं निकलवा सकते, ठीक है। तो फैन ब्रश ग्रुप का वो मेंबर है जो कुछ काम नहीं करना चाहता और लास्ट डे असाइनमेंट वाले दिन बोलता है असाइनमेंट बन गया क्या, ठीक है। तो ये जो है बहुत डिटेल हाइलाइटिंग, अगर आपको बहुत डिटेल हाइलाइटिंग करनी है क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा बिल्ड करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक दिक्कत आएगी इस वाले फैन ब्रश के साथ स्पेसिफिकली, इसके साथ ना आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लाइंडिंग हाइलाइटर चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बारी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो ब्लेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको वो डिटेल नहीं होता, एक जो लोग हाइलाइटर लगा देते हैं फिर उसके ऊपर एक हल्का वाला हाइलाइटर भी लगाते हैं ताकि उनका हाइलाइटर और चमके, उसके लिए अच्छा है, सिर्फ हाइलाइटर के लिए अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी अच्छा है, बस धीरे धीरे प्रोडक्ट को बिल्ड करना, ठीक है, क्योंकि ब्लेंड करने के लिए ज्यादा ये आपके पास ब्रिसल्स है नहीं। लेकिन क्वालिटी ब्रश की बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से मेरे पास है और इसको देखिए टस से मस नहीं हुआ है। तो मैं अपना हाइलाइटर लूंगी और नाक पे लगाना है अगर जैसे आपको, और जगह भी लगा सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन हमने और जगह ऑलरेडी लगा दिया है, यहाँ पर आप लोग देखे देखो नाक पे से लाइन आ गई ना, आपको क्यूपिड्स बो पे जाना है, जो छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए अच्छा है, क्योंकि इतने मोटे ब्रश से तो आप हाइलाइटर नहीं लगा पाओगे ना, नाक पे पूरे हाइलाइटर जो है नाक पे फैल जाएगा। तो छोटी जगह जैसे ये नाक का बिल्कुल लाइन पे जाना है, क्यूपिड्स बो छोटी जगह है वहां लगाना है, यहाँ लगाना है, वो काम इस तरह के ब्रश से थोड़ी करोगे आप, ये तो ज्यादा क्वांटिटी लगा देगा ना हाइलाइटर की। तो डिटेल में अगर आपको काम करना है तो तब आप ये फैन ब्रश ले सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हो, ब्राउ बोन पे भी लगा सकते हो, तो काफी आप ये कह सकते हो कि डिटेल वाला जिनको करना पसंद है मेकअप लुक उनको अच्छा लगेगा। अगला जो ब्रश है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्यों,
अगला जो ब्रश है वो है पैक का 272। ये एक कंसीलर ब्रश है। कंसीलर अगर आपको ब्रशेस से लगाना बड़ा पसंद है तो ये यहाँ पर जाकर आराम से बैठता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करते करते ये ब्लेंड कर देता है प्रोडक्ट को, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनको ब्रशेस से बड़ी दिक्कत होती है अंडर आई एरिया के कंसीलर को ब्लेंड करने में, और मुझे मच्छर काट रहा है। तो ये वाला ब्रश उनके लिए अच्छा है जिनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है अपने मेकअप को करने के लिए। अगर आपको बहुत फास्ट मेकअप लुक्स पसंद है और आप ब्रश यूज कर रहे हो ये वाला स्पेसिफिकली, थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम मांगता है, ये उस तरीके का प्रोडक्ट है, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा है। दूसरा, अगर आपकी बहुत ज्यादा मेच्योर स्किन है तो आपको ज्यादा स्ट्रीकीनेस दिखेगी अपनी फाइन लाइन्स पे इस वाले ब्रश के साथ, इसीलिए आपको और टाइम लगेगा। तीसरा, कि अगर आपकी आंखें जो है, आंखों के नीचे का एरिया बहुत ड्राई है और आपने जो है एक मैट कंसीलर लगा लिया तो और ज्यादा दिक्कत करेगा। तो प्रोडक्ट का अमैलगमेशन भी बहुत मैटर करता है कि आप ब्रश क्या यूज कर रहे हो। आप खाली ब्रश को दोष नहीं दे सकते कि ब्रश खराब होगा या ये प्रोडक्ट खराब होगा। टेक्निक, मेकअप प्रोडक्ट का फॉर्मूला, आपकी स्किन टाइप, आप किस तरह से उसे यूज कर रहे हो, उफ, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है अगर आपको डिटेल में जाना है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा मांगता है। ये बुरा ब्रश नहीं है उनके लिए, अच्छा है जिनको, स्पेशली जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं कंसीलर ले रही हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, और मैं ना पहले शीशा भी ले लेती हूँ। देखिए ब्लेंड हो गया कितने आराम से, लेकिन वही मैं कह रही हूं कि कुछ दिन ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसे आज ब्लेंड हो गया, कुछ दिन नहीं कर। ब्रश बुरा नहीं है अगेन जैसा मैंने कहा, लेकिन मेरे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है और इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ये कवरेज ज्यादा देता है एक स्पंज के मुकाबले। एक स्पंज में आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, इसमें वो आपको झंझट नहीं लगता। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है इस ब्रश की तो ले लो। तीसरा, कि अगर आपको बाकी चेहरे पर कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर नहीं लगाना है, सिर्फ अंडर आई एरिया में लगाना है, तो उसके लिए भी ये कमाल का ब्रश है, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंडर आई एरिया पे ही प्रोडक्ट लगाने का काम करेगा और जगह उसे फैलाएगा नहीं। और मैच्योर स्किन में जितना कम पाउडर आप लगाओगे उतनी अच्छी आपकी स्किन उभर के आएगी मेकअप लुक में। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है, मेकअप टूल है एक्चुअली। क्यों है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि वो मल्टी पर्पस है, उससे इतने सारे काम निकाल लेती हूँ। वो है ये ब्यूटी स्पंज, ये है अल्योर का मेकअप प्रोडक्ट। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरा काम इजी करता है ये, और मुझे वो ही चाहिए अपने मेकअप प्रोडक्ट से कि मेरा काम इजी हो। ये काफी ज्यादा मल्टी पर्पस है, जब मुझे एक क्विक मेकअप लुक चाहिए हो, सिर्फ कंसीलर, देखिए कंसीलर मैं से लगा रही हूँ, और अंडर आई एरिया के लिए मुझे सिर्फ मेकअप स्पंज ही जमता है। जो रिजल्ट मुझे एक मेकअप स्पंज से मिलता है अंडर आई एरिया के लिए, वो मुझे किसी भी मेकअप ब्रश से नहीं मिलता। मुझे थोड़ी बहुत जो है, जैसे इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है इसलिए मैं यूज कर लूंगा, जब मैंने आई शेडो लगा लिया इसमें, ठीक है, वो मुझे किसी भी आई शेडो ब्रश या फेस ब्रश से अंडर आई के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो मुझे जो स्मूथ रिजल्ट एक मेकअप स्पंज से मिलता है अंडर आई एरिया के लिए, वो किसी और से नहीं मिलता, इसीलिए मेकअप स्पंज मेरा फेवरेट है। इससे, ये अल्योर का है, इससे फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इसकी जो शेप है अंडाकार जैसी है, तो ऊपर जो है ये कॉर्नर्स पे, इस तरह के जो कॉर्नर होते हैं यहाँ के लिए जाने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ जाने के लिए बहुत अच्छा है। जो नीचे वाला एरिया है फ्लैट, वो रिवर्स कॉन्ट्यूरिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो ये रिवर्स कॉन्ट्यूरिंग करते हैं ना लोग, की कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ लगाते हैं फिर उनका कॉन्ट्यूर जो और तीखा लगता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। और ये पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट लगाने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, आप बेकिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हो, आप क्रीम ब्लश इससे लगा सकते हो। अगेन, एक ऐसा क्रीम, एक ऐसी क्रीमी लिपस्टिक जिसमें हल्की सी चमक हो, वो आप लेना, कि बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर देगा आपके गालों पे और ब्लश की तरह बहुत अच्छा लगेगा। आप इससे क्रीम कॉन्चूर ब्लेंड कर सकते हो लेकिन पाउडर नहीं। इससे आप क्रीमी हाइलाइटर्स, जैसे शुगर का जेली हाइलाइटर, वो सब बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो।
तो ये काफी ज्यादा आपने देखा कि मल्टीपर्पस है, इसलिए मुझे पसंद है। जब आपका पूरा मेकअप हो जाए और आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आप वहां पर जाकर ऐसे ब्लश अपने ब्लेंडर को जो है ऐसे से करेंगे तो वो टोन डाउन कर देता है उसी चीज को। जब आप पूरे मुंह पर सेटिंग स्प्रे ऐसे स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद आप ब्लेंडर से ऐसे 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 करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो सेटिंग स्प्रे होता है उसकी बूंदे जो होती है उसको सोख लेता है, उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा। इसीलिए मेकअप ब्लेंडर्स मुझे पसंद है क्योंकि वो काफी ज्यादा मल्टीपर्पज होते हैं और मैं उनको मल्टीपर्पज के तौर पर यूज भी करती हूँ, सिर्फ बोलने बोलने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली उनको यूज करती हूँ। आप देखिए मैं इसी पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा एंड ब्लेंड कर लेते हैं। सेट करने से पहले देखना है कि कोई भी लाइन ना हो। थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, बनाना पाउडर सॉरी। यही काम आप इस ब्रश से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको कंसीलर वाला बताया कि आप ऊपर जाकर कंसीलर लगाना चाहते हो लाइट वाला, वो लगा सकते हो, उसके ऊपर आप ये ब्रश जो है उससे सेट कर सकते हो। अगर आप आंखों के इधर जाकर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना चाहते हो या येलो पाउडर कुछ भी है वो लगा सकते हो, आपको आंखों के नीचे जाकर लगाना है, वो आप इस ब्रश से भी कर सकते हो। ये था आज का वीडियो गाइज, मैंने आपको सभी मेकअप ब्रशेस के बारे में डिटेल में बताया है, इसमें से आप चुन सकते हैं आपको कौन से लेने, कौन से अवॉइड करने, कौन से मस्ट हैव हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।